वेलकम गाइस टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ स्मार्टर ट्रैवल। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ टू द ब्यूटिफुल लेक सिटी ऑफ इंडिया, उदयपुर। जहाँ आपको दिखाऊंगी द एलिगेंट सिटी पैलेस म्यूजियम, टू द ब्यूटिफुल गार्डन्स ऑफ सहेलियों की बाड़ी। सनसेट देखना है तो चलिए गंगोर घाट, टू द मार्वेलस फोक शो एट बागोर की हवेली। चलिए जगमंदिर के ब्यूटिफुल गार्डन्स देखने। अब चलिए द मॉनसून पैलेस ऑफ सज्जनगढ़। हम लोगों का होटल बिल्कुल लेक पिचोला के बगल में ही था, जहां से पूरी लेक पिचोला का व्यू दिखाई देती है। इन गलियों से होते हुए मैं पहुंच गई सिटी पैलेस के एंट्रेंस तक। सिटी पैलेस का टिकट ले लिया है। सिर्फ बार बार से घूमने के लिए आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं, और अगर आपको अंदर से घूमना है तो 400 पर पर्सन आपको टिकट लगते हैं। जग मंदिर जाने के लिए आपको टिकट वहाँ काउंटर से ही मिल जाएगा। इवन अंदर भी है टिकट काउंटर, वहाँ से आप जग मंदिर के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ का कुछ डेफिनेट टाइमिंग्स होता है, जैसे कि 10 बजे से 2 बजे तक आपका टिकट जग मंदिर के लिए 500 पर पर्सन होता है, और आफ्टर अगर आप 5 बजे जाते हैं जैसे कि सनसेट देखने के लिए, तो आपको 800 पर पर्सन आपको देने पड़ेंगे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने जो टिकट ले लिया है, यहाँ से एंट्रेंस है और हम लोग अभी जा रहे हैं सिटी पैलेस को देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाते चलूँगी कि जाते वक्त आपको क्या क्या दिखाई देगा। ये पैलेस लगभग 400 साल लग गए थे बनाने में, विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी। और फाइनली इन द ईयर 1969 इस पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था by the efforts of Maharana Bhagwat Singh. इस पैलेस में काफी सारे पुराने दिनों की आर्टिफैक्ट संभाल कर रखा गया है। उदयपुर की कूल क्लाइमेट का एक रीज़न है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा करके बारिश होती रहती है, जो एनवायरनमेंट को कूल रखने के साथ साथ पॉल्यूशन भी कम करती है। Hey guys,
तो अभी हम लोगों ने सिटी पैलेस घूम लिया, और सिटी पैलेस घूमने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे तो आपको लगते ही है। वहाँ फिर घूमते घूमते हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गया, और अभी हम लोग यहाँ एक है मयूर होटल एंड रेस्टोरेंट जो कि जगदीश टेम्पल के सामने ही है, एकदम ऑपोजिट में ही है। यहाँ पे हम लोग अभी लंच करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फतेह सागर लेक, जो महाराणा फतेह सिंह जी के नाम में रखा गया है, जो एक मैनमेड लेक है। उदयपुर आते हैं तो ज़रूर सहेलियों की बारी विजिट कीजिए, जो बिल्कुल फतेह सागर लेक के पास ही है। तो दोस्तों, ये जगह मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत और फेवरेट जगहों में से एक है। उदयपुर में मैं आई हूँ सहेलियों की बारी में। इस गार्डन को राणा संग्राम सिंह जी ने उनकी रानी और 48 सहेलियों के लिए बनवाया था। यहाँ अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगाए गए हैं। सनसेट देखना है तो गंगोर घाट जरूर विजिट कीजिए, यहाँ का सनसेट का व्यू का नज़ारा कुछ अलग ही है। पास में ही है बागौर की हवेली। टिकट कॉस्ट सिर्फ ₹60 फॉर इंडियन सिटीजन्स। फाइनली फोक शो के बाद हम लोग डिनर के लिए पहुंच गए, जहां से फायरवर्क्स डिस्प्ले दिख रहा था, विच वॉज लुकिंग ऑसम। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग का आज का दिन की शुरुआत अभी हम लोग जग मंदिर से करेंगे। तो ये हम लोगों ने 2 टिकट्स ले लिया है, मेरा और सिद्धार्थ का। तो अभी चलते हैं जग मंदिर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बोट के लिए। हमारा अभी बोट 11 बजे है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जग मंदिर। बोट में बोट करने के बाद सिटी पैलेस का नज़ारा कुछ अलग ही था, जो कोई यूरोपियन पैलेस से कोई कम नहीं लग रहा था। बोट राइड वॉज क्वाइट पीसफुल, और हाँ, ताज लेक पैलेस वॉज अमेजिंग।
जग मंदिर आफ्टर 30 to 40 minutes ऑफ बोट राइड। जग मंदिर का कंस्ट्रक्शन 3 महाराणाओं ने किया था जो मेवाड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनसाइड एक कैफे है वेयर यू कैन चिल। एक रेस्टोरेंट है पर यहाँ का रेट्स काफी हाई है। और हाँ, यहाँ एक बार भी है वेयर यू कैन एंजॉय। You can also visit the museum and have a taste of its history. अगर relax करना है तो यहाँ एक spa भी है। ये था खूबसूरत सा जग मंदिर जो कि एक पैलेस है आइलैंड के तौर पे। आपको यहाँ बोटिंग से यहाँ पे लाया जाता है और फिर ऐसे बहुत सारे बोट्स टाइम टू टाइम फिर वापस रिटर्न होते रहते हैं, तो आप यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। अगर उदयपुर आते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टूरिस्ट प्लेसेस, सो डू विजिट। ऑन रिटर्न आपको एक फ्री राइड मिल जाती है टिल द पैलेस मेन गेट। ऑन रिटर्न फ्रॉम जग मंदिर हम लोग एक छोटी एडवेंचर के लिए पहुंच गए बड़ी लेक, जो उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में ही था। सज्जनगढ़ पैलेस मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पूरी उदयपुर सिटी दिखाई देती है। ये पैलेस महाराणा सज्जन सिंह के नाम में दिया गया है। यहाँ जेम्स पॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी की शूटिंग हुई थी। फाइनली कुछ शॉपिंग के बाद होटल की रूफटॉप रेस्टोरेंट से एक सुंदर नज़ारा का अनुभव लेके ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्मार्टर ट्रैवल, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए अच्छा लगता है, एक नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।